शिव महापुराण पहला अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे सूत जी द्वारा शिव महापुराण की महिमा का वर्णन करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि तभी आने वाले आप सभी अध्यायों का सुनिश्चित होकर श्रवण कर सकेंगे। तो चलिए इस अध्याय को आरम्भ करते हैं। श्री शौनका जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे प्राणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बतलाइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना व सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव महापुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांचता है या इसका पाठ करता है वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर शिव महापुराण का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस शिव महापुराण के प्रवचन को वाचन को लाइक नहीं किया है तो इसे अवश्य लाइक करें। और अब हम अग्रसर चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमात्म तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से हमने ये बात समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप दुराचार तथा काम क्रोध मद लोभ से निरंतर डूबे रहते हैं वे भी शिव पुराण पढ़ने से अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ये कथा देवराज ब्राह्मण की कथा है। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल
गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के लिए काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर्व के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा चढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। और इसी प्रकार यहाँ पर शिव महापुराण का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए तीसरे अध्याय का अनुसरण करते हैं। इस अध्याय में हम बिंदु ब्राह्मण की कथा का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशुबुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकल नामक गांव में बिंदु नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण
बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक में दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता इसलिए वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियाँ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह के यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं, तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझे जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायात्राओं को सह पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूं, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूब रही हूं। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। और इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा अध्याय शिव महापुराण का समाप्त होता है। लेकिन अगर आप आने वाले सभी अध्यायों का श्रवण करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें तथा इस वाचन को लाइक करें। साथ ही साथ आप सुख सागर के अध्यायों का श्रवण भी कर सकते हैं। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं।